और हमें भूल ही जाना, कोई तुमसे सीखे और हमें हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के बजे हैं 4 और मैं लाइट जला के देख रही थी कि सुबह के कितने बजे हैं। वैसे तो मोबाइल में ही दिख जाता है, लेकिन ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाया कि सुबह के 4 बजे सबसे पहले जो दिन की शुरुआत होती है वो होती है एक्सरसाइज के साथ। हालत ख़राब हो जाती है, सबसे पहले वार्मअप से अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले नेक की वार्मअप करते हैं, हैंड की वार्मअप करते हैं, फिर टमी की वार्मअप करते हैं, फिर अपने पैर की वार्मअप करते हैं। एक्सरसाइज करते करते मैं आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। मेरे मतलब एक व्यूअर का कमेंट आया था कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो कैसे हम एक्सरसाइज करें, या फिर उनके कमेंट आते हैं जैसे जिसका ऑपरेशन हुआ है वो कैसे एक्सरसाइज करें, या फिर उनके जैसे बच्चे दूध पी रहे हैं जो मदर होती हैं वो कैसे अपना वजन कम करें। तो देखिए, अभी आपका जो जीवन है ना, अभी आपको अपने जीवन को उस तरीके से जीना चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा आप डाइट करने लगेंगी तो भी दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लगेंगी तो भी दिक्कत होगी। मेरे बच्चे अभी 14 साल के हो चुके हैं और बेटा जो है 14.5 साल का, मतलब 15 साल का हो गया है, बेटी 14 साल की हो गई। तब मतलब अगर 14 साल से कह लो तो मतलब बच्चे 10 साल के हो चुके थे, तब मैंने अपना वज़न कम करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि मेरा वज़न ज़्यादा है, अब मुझे वज़न कम करना चाहिए। मुझे इतनी सारी बीमारियाँ थी, मेरा कभी भी मन नहीं होता था वज़न कम करने की, मैं वज़न कम कर लूँ। पता नहीं कहाँ से मुझे एक आया कि मेरे दिमाग में आया कि अब बहुत हो चुकी ये बीमारियाँ, बिस्तर पर पड़े पड़े मोटापा खाए और बिस्तर पर पड़े। मेरा एक ही काम होता, जितना मैं दिन रात अब काम करती हूँ ना, पहले इसका एक गुना भी काम नहीं करती थी। बस मुझे आलस लगता था, नींद लगती थी, थकान लगता था, क्योंकि वज़न इतना ज़्यादा था। वज़न इतना ज़्यादा था ना, काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता। ऐसे लेटे लेटे ये मन हो रहा था कि खाते रहें, बस मुंह चलाते रहें, हाथ पैर चलाने का मन ही नहीं होता। जब थोड़े बहुत काम कर लेते थे तो एकदम थकान सी लग जाती थी। आज मैं सुबह 4 बजे से या फिर 3 बजे से ही कह लो उठती हूँ, पूरे दिन मैं घर के काम करती हूँ, दौड़ती रहती हूँ हर काम के पीछे। ना मुझे थकान लगती है, ना बिल्कुल आलस लगता है, ना पूरे दिन मुझे नींद लगती है। लेकिन इसका सेम उल्टा होता था जब मेरा वज़न ज़्यादा था। एक तो थायराइड था, दूसरे बच्चे छोटे छोटे थे, उन बच्चों के साथ भी बहुत सारे काम होते थे। बच्चे होते हैं छोटे ना, तो इतना ज़्यादा काम होता है। तो वही एक व्यूअर का कमेंट आया था कि हमारे छोटे बच्चे हैं कैसे करें। तो अभी आप बच्चों को बड़ा कर लीजिए दीदी, मैं क्या ही बताऊं। या फिर आप डाइट करेंगी तो भी दिक्कत होगी, छोटे छोटे बच्चों में बड़ी समस्या होती है, बहुत संभालना पड़ता है उनका, भूखे पेट कुछ नहीं होता, लेकिन डाइट में थोड़ा बहुत आपको भूखा रहना पड़ेगा। या फिर आप डाइट के लिए ऐसी डाइट लें जैसे बेसन की रोटी लें, मक्के की रोटी लें, बाजरे की रोटी लें, कुछ इस तरह से हेल्दी खा के अपना वज़न धीरे धीरे करके कम करें। वज़न आप कभी जल्दी नहीं कीजिएगा। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी आपने सुनी होगी ना, कि कछुआ धीरे धीरे चलता था, वो अपनी जीत हासिल किया, और खरगोश जो है तेज भाग करके वो अपनी हार हासिल किया है। तो आज मैं इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, कोई भी काम आप जल्दीबाजी में ना करें, कि कोई भी काम आप जल्दीबाजी में करके अपना हासिल तो कर सकती हैं लेकिन फिर से आपको आपका वज़न बढ़ जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत ज़्यादा डाइटिशियन हूँ, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन हाँ इस अनुभव ज़रूर है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं 98 kg वज़न लेके आज मैं जो है 65, 66, 67, 68 इतने पे चलता रहता है। सबसे पहले अपने खुद के लिए टाइम निकाल लेने के बाद अब बारी आती है परिवार के लिए, क्योंकि अगर हम परिवार के लिए शुरू हो जाएंगे सुबह सुबह तो अपने खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए सबसे पहले सुबह उठ करके, कभी कभार तो सब्जी कट करने के बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा टाइम होता है भाई तो मैं एक्सरसाइज कर लेने के बाद जो है सब्जी की कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5-6 शिमला मिर्च निकाली है। इसके एक दिन पहले मैंने साड़ी पहन रखी थी, एक्सरसाइज कर लेने के बाद फिर से मैंने अपनी साड़ी पहन ली है। और यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी बनाया है। आजकल मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, मैंने कहा चलो भाई नींबू पानी पीते हैं, गर्म पानी से सर दर्द गायब हो जाता है, ऐसा मैं कहती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आपको सर दर्द हो, बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द हो, तो आप हल्का सा ज़्यादा गुनगुना पानी पिए, इससे आपके सर दर्द में राहत होगी। तुरंत तो दवा की तरह नहीं काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे आराम करेगा। गर्म पानी और नींबू पीने के बाद फटाफट से सब्जियों को कटिंग चॉपिंग का काम करते हैं। ये जो शिमला मिर्च है ना, अगड़म बगड़म, इसमें सबसे पहले निकालते हैं अंदर से जो इसमें बीज भरे हैं, जो सफ़ेद वाला पार्ट है इनको निकालते हैं, प्याज के छिलके निकालते हैं, मिर्ची, टमाटर,
टमाटर धनिया इन सबको कटिंग चॉपिंग का काम करते हैं। तो सबसे पहले शिमला मिर्च को, चार पांच जो शिमला मिर्च थे ना हमारे घर में, शिमला मिर्च की सब्ज़ी सब लोग चावल से खाते हैं इसलिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई होती है। जैसे कभी कभार मन होता है ना दाल ना बनाओ, क्योंकि आजकल का जो मौसम है कोई दाल खा ही नहीं रहा, किसी को पसंद नहीं आ रही। गर्मी के मौसम में तो दाल सबको चाहिए चाहिए होता है, तो ठंड के मौसम जैसे ही आते हैं ना सबको दाल कम पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने चार पाँच प्याज जो है, सबसे पहले प्याज को कट कर लेते हैं, उसके बाद शिमला मिर्च को कट करते हैं। टमाटर मैंने दो लिया है, धनिया की पत्ती, सब कुछ कट कर लेते हैं। जैसे खाना बनाने का क्या काम होता है, कुकिंग का काम तभी जल्दी होता है जब आप सारी तैयारी कर लो। ऐसा नहीं है कि आप गैस जला दो फिर प्याज कट करने लगो फिर लहसुन कट करने लगो, ऐसे में आपका गैस भी ख़त्म हो जाएगा और खाना बनाने में भी देर लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाया, सरसों का तेल, जीरा का तड़का लगाया, उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। खूब अच्छे से प्याज को भूनते हुए पहले पका लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसमें जो है शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। प्याज को खूब अच्छे से पकाने के बाद ही मतलब शिमला मिर्च ऐड करें। ये वाली सूखी सब्जी ना हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है, मुझे भी चावल से खाने में अच्छा लगता है, बच्चों को भी चावल से खाने में अच्छा लगता है और सबको मतलब घर में चारों लोग को बहुत पसंद है। तो उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर देने के बाद स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। दो टमाटर लिया है क्योंकि आज शिमला मिर्च की सब्ज़ी ज़्यादा है, चार पाँच शिमला मिर्च मैंने काटी है, टमाटर तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने दो ऐड कर दिए हैं। साथ ही होममेड मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला और साथ में थोड़ा सा इसमें मीट मसाला डाल दो तो थोड़ा सा चटक हो जाता है। सब्जी ज़्यादा है तो इसलिए मैंने मसाले भी थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं। थोड़ा सा हींग डाल दिया, वैसे कोई ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हाँ हींग डाल दो ना सब्जी में महक और इसकी जो पाचन क्रिया होती है ना पचाने की वो ज़्यादा सही हो जाती है। तो बस सब्जी हमारी पकती रहेगी। फटाफट से आटा गूंथ लेते हैं और आटा गूंथ के रोटियां बनाते हैं। सुबह के अभी लगभग ये 5 बजे का टाइम होगा, जब हमारे बच्चों का स्कूल होता है ना तो कुकिंग का काम भी इतना आसानी से बढ़िया से आराम से टाइम से हो जाता है कि पूछो मत। बच्चों का स्कूल जिस दिन नहीं होता है ना उस दिन सबका लेट उठना हो जाता है। जैसे मेरा 4 बजे का उठना होता है तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, बच्चों का 6 बजे उठना है तो वो 7 बजे 7:30 बजे उठ जाते हैं। पद्देव जी तो हाला उठ जाते हैं, उनको वॉक करने जानी होती है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च की सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी थी, उसमें धनिया की पत्ती ऐड कर दी है और सब्जी को मैंने आधे से ज़्यादा निकाल लिया है, बाकी थोड़ी सी सब्जियों को अच्छे से सुखा दिया जो बच्चों को टिफिन में ले जानी, ताकि इसमें पानी ना रहे, मतलब हल्का सा गीलापन रहता है तो लीक करने लग जाती है, इसलिए मैंने सब्जी को सुखा दिया है। बाकी सब्जी मैंने इस कटोरे से निकाल लिया और रोटियाँ बना दी है। फटाफट से बच्चों का टिफिन पैक करते हैं और बच्चों को खाना पूछते हैं, सब्जी रोटी खाएंगे, दही रोटी खाएंगे, क्या खा के जाएंगे। तो सबसे पहले इनका टिफिन उफिन पैक करके हटा देते हैं, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई जैसे खाना बन जाता है, कुकिंग का काम हो जाता है ना, तब भैया झाड़ू पोछा का काम होता है। क्योंकि अगर हम सुबह सुबह झाड़ू पोछा करने लग जाएं तो ये कुकिंग का काम रह जाता है। और इसी टाइम पे मैं दोपहर के लिए रोटियां बना देती हूँ, पद्देव जी ऑफिस जाते हैं उनके लिए रोटियां बना देती हूँ। जब मैं रोटी बना रही थी, बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी, तब पद्देव जी ने चाय रख दी थी, मतलब चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ डाल के दिए थे, मैंने रख दिया था और तब तक हमारी चाय बन के तैयार हो चुकी, छान के मैंने दे दिया है। चाय अपने लिए थोड़ी सी निकाल ली है और बच्चों से मैंने पूछा क्या खाओगे तो वो लोग बोले दही रोटी। देखिए कितनी बढ़िया दही कड़क जमी हुई है। तो यहाँ पर मैंने दो कटोरी में दही निकाला है, दोनों में मैं गुड़ डालूंगी, क्योंकि हमारे बच्चे गोलू तो पहले ही चीनी उनी छोड़ चुका था लेकिन अब गौरी भी मान गई है कि वो भी चीनी खाने से मना कर देती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की जो है मैं गुड़ डाल देती हूँ और उसके बाद अपना साफ सफाई का काम शुरू कर देती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदि है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। और स्नान करके आने के बाद सबसे पहले पद्देव जी के लिए खाना लगा दिया, चावल तो बना नहीं था, बस दही दे दी है, सादी दाल दी है, काला नमक, हरी मिर्च और सब्जी। और उसके बाद स्नान करने के बाद फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत आज आप लोगों के साथ मैंने सोचा मेकअप शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले स्नान करके आने के बाद फटाफट से मैंने चूड़ियाँ पहन ली है। जब हम चूड़ियाँ पहन लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हाथ भारी भारी लग जाता है, क्योंकि वैसे हम नॉर्मल डे में एक दो चूड़ियाँ डाले रहते हैं, लेकिन जब साड़ी को चूड़ी के साथ मंगलसूत्र के साथ हम पहनते हैं ना तो उसका पूरा लुक ही बदल जाता है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैचिंग मैंने चूड़ियाँ पहन ली है। फटाफट से आप लोगों के साथ थोड़ा सा मेकअप शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले चेहरे पे मैंने नारियल का तेल लगा लिया है, अब ठंड का मौसम है ना तो थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाती है, तो नारियल का तेल लगा लिया है, आप चाहे कोई मॉइस्चराइजर लगा लो। होंठ पे मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है और सबसे पहले लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। जब हम कोई मैट इस लिपस्टिक लगाते हैं ना तो अपने होंठों को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो, ज़रूर आप अपने होंठ को मॉइस्चराइज कर लें, अपनी पसंद की लिपस्टिक अप्लाई करें। मैट वाली ये लिपस्टिक है, एक बार लगा लो, कितना भी खाओ पियो पूरे दिन
ये छूटती नहीं, सबसे अच्छी बात ये है। और मुझे इतना टाइम नहीं होता कि दिन भर वही मेकअप लगाओ, एक बार लगा लो वही बड़ी बात होती है। और आईलाइनर को बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइनर लगाने से ना आपकी आँखें इतनी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाती हैं, ऐसे होता है ना कि आँखें निखर के आती हैं। पतला पतला आईलाइनर लगाती हूँ, बहुत मोटा नहीं। और काजल के बिना तो आई मेकअप कम्प्लीट नहीं होता। आई शेडो जो होता है मतलब नहीं लगाती हूँ, और क्या कहते हैं उसको, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद जो होता है पुट्टी जैसा कहते हैं, पुट्टी क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन नहीं लगाती, पाउडर नहीं लगाती, कभी भी नहीं लगाती पाउडर, फाउंडेशन, मस्कारा, ये सब नहीं। डेली मेकअप में बिंदी, लिपस्टिक, काजल और क्या कहते हैं लाइनर, इतना बहुत हो जाता है। आईब्रो को ज़रूर अपने फिल करें, क्योंकि देखिए बिना आईब्रो को फिल करें कंप्लीट नहीं होता। वैसे तो हमारी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा घनी है, काली भी हैं, लेकिन कहीं कहीं से ऐसे होता है ना बराबर सी नहीं होती, तो अपने आईब्रो को कर लिया है फिल। और अब हम कंप्लीट करते हैं पूरा मेकअप, मांग भर लेते हैं, बाल कलर हो जाए, चेहरे पे फेस पैक लग जाए ना, तो चेहरे पे एकदम से नूर आ जाता है। बस फटाफट से पहन लेते हैं मंगलसूत्र और हो चुके हैं तैयार। बालों को कंघी कर लेते हैं, जैसे आप टीढ़ी मांग, सूजी मांग, जैसे भी करना चाहती हैं, तो बस हो चुके हैं रेडी फटाफट से। ये 5 मिनट का मेकअप होता है हमारा। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के बज रहे हैं 9:15 हो रहे हैं, और चलिए फटाफट से चलते हैं, कुछ अपने लिए पेट पूजा का इंतजाम करते हैं, क्योंकि कल मेरा था व्रत, सॉल्ट फ्री डे था, भूख मुझे जोरों की लगी है। अब इस जोरों की भूख के लिए तो अब हम रोटी तो खाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम रोटी खाएंगे तो 4 रोटी 3 रोटी तो जरूर खा लेंगे, भूख इतनी जोर की लगी है। तो भूख को कंट्रोल करने के लिए, अपने हंगर को कंट्रोल करने के लिए, और ज्यादा ना खाएं, अपने मुंह पे लगाम लगाने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, बनाते हैं ओट्स, नमकीन ओट्स बहुत हेल्दी होता है। जब हम सुबह सुबह नमकीन ओट्स खाते हैं ना, तो हमें मीठा खाने की या फिर कुछ चटपटा जैसे चाट, फुल्की, टिकिया, ये सब खाने की क्रेविंग बहुत कम हो जाती है। जैसे ऐसा मैं नहीं कहती कि आप बाहर की चीजें टिकिया, चाट, फुल्की पे कंट्रोल लगाओ, बाकी आप मीठी चीजें, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ना खाओ, खाओ, लेकिन ये होता है कि कोई चीज हम लिमिट में खाते हैं, कोई चीज लिमिट से बाहर कर देते हैं। अगर आप कुछ खा रहे हो 6 दिन, तो 7वें दिन आप एक दिन अपने पेट को आराम दीजिए, आप डिटॉक्स कर लीजिए, आप उस दिन कुछ लिक्विड चीज पूरा दिन खाइए, चाहे जूस पी लीजिए, चाहे नारियल पानी पीजिए, जैसे एक बार नारियल पानी पिया, एक बार जूस पी लिया, एक बार मौसमी का जूस पी लिया, एक बार एप्पल जूस, और आजकल कैरेट आ गई है, कैरेट जूस पी लिया, बीटरूट जूस पी लिया, तो एक दिन आप अपने शरीर को लिक्विड ही चीज दे दीजिए, तो आपका इससे क्या होगा ना कि डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप कर करके वजन कम कर सकती हैं, नाश्ते में पोहा ले सकती हैं, इडली और मूंगफली की चटनी खा सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो भी आप खाएं। कभी कभार आप महीने में एक दिन आप बाहर का टिकिया खा सकती हैं, फुल्की खा सकती हैं, ऐसा आप बना लीजिए, और बाकी दिन आप हेल्दी खा के स्वस्थ रह सकती हैं, मस्त रह सकती हैं, खुश रह सकती हैं। सुबह के बजे हैं 9:15 हो रहे हैं, सबसे पहले चलते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं, और भूख जोरों की लगी है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, ये मसाला ओट्स है, इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आप मैगी बनाते हैं पानी वाली, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ये 2 मिनट में बन जाती है। इतना हेल्दी होता है ना, जैसे अब बहुत देर तक पेट भरा रहता है, ये हेल्दी होता है, वजन भी इससे नहीं बढ़ता है।
तो ये फटाफट बन के रेडी हो जाता है और खाने में इतना बढ़िया होता है। जो मैगी के शौकीन हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है वज़न कम करने के लिए। जैसे आप वज़न कम करना चाहते हैं ना, तो ये सबसे अच्छा तरीका है आपका वज़न कम करने का। आप इसे ओट्स खाएँ, आप मीठा ओट्स भी बना के खा सकती हैं। प्लेन ओट्स आता है, आप उसको मंगा लीजिए। अगर आप कहेंगे ना तो मैं किसी भी वीडियो में ऐड कर दूँगी मैं कौन सा ओट्स खाती हूँ। तो ओट्स खाने के बाद अभी बच चुके हैं दोपहर के, लगभग 2 बजे का टाइम होगा। बच्चे स्कूल से आते हैं तभी मैं लंच करती हूँ उनके साथ। सुबह से मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं बच्चों का वेट करती हूँ। जबकि बच्चे खा के भी जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, आते हैं तो खाते हैं। मैं कहती हूँ कि 1-1.5 बजे का टाइम है ही खाने का, बच्चे आ जाते हैं फिर खाती हूँ। मेरा सब्जी वब्जी खाने का मन नहीं था आज, बहुत दिन हो गए थे, दही खाने का मन हो रहा। दोपहर में मैंने दही रोटी खाई और रात के टाइम मैंने 2 रोटी और दूध लिया है। इसमें मैंने शुगर गुड़ कुछ भी नहीं लिया।